सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल में। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर वो किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो वो वही चीज़ें करेंगे जो वो लोग चाहते हैं। तो हो भी सकता है कि कई लोगों के साथ ये चीज़ें होती हो, और हो सकता है अधिकतर लोगों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें नहीं होती है। तो हाल ही में मेरे अभी एक छोटे भाई हैं, उनका मुझे मैसेज आया था कि मैंने देवी साधना करी, भैरवी देवी साधना करी और भैरवी गुड़ी भी उन्होंने अभी मंगा ली है, उनके पास है और वो डेली प्रोसेसेस भी करते हैं। तो उनकी ये शिकायत थी कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए पर मुझे वो मिल नहीं रही है, और जो वो ऐसा कह रहे थे कि सद्गुरु से भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, वो भी मुझे नहीं मिल रही है, कुछ इस प्रकार से। तो क्या जो हमारे देवी देवता है या स्पेशली लिंग भैरवी देवी, क्योंकि मैं उनसे ही मेरा कुछ रिलेशन या मैं उनसे जुड़ा हूँ, तो मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा और सद्गुरु के बारे में बात करूँगा कि क्या ये हमारे विशेष को पूरा करने के लिए है। यहाँ पर सद्गुरु ने बोला था कि भैरवी देवी जो है वो मनोकामना, सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी है। तो क्या कोई भी अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकता है जो वो चाहता है? हर किसी को लगता है कि जो मैं चाहता हूँ वो तो कोई, वो मुझे मिलना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग लेवल पर लोगों की चाहत हो सकती है। कई लोगों को लगता है, ये लग सकता है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो कोई बहुत कुछ बड़ा नहीं है, मैं एक नौकरी ही तो चाहता हूँ या मैं कुछ अपनी बस एक अच्छी लाइफ ही तो चाहता हूँ, कुछ इस प्रकार से, तो मुझे मिल क्यों नहीं रही है, और वो उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो, और वो भी अपने हायर लेवल का जो बीइंग है उससे कुछ चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी। पात्रता सिद्ध करने के बाद ही आपको कोई चीज़ें मिल सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में, मतलब महाभारत रामायण के समय की अगर मैं बात करूँ, उस समय पर लोग तपस्या करते थे, और तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रकट होते थे तब उनको वरदान मिलता था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पात्रता को सिद्ध किया। राक्षस भी क्या करते थे कि शिव जी की आराधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मदेव की कर रहे हैं, विष्णु की कर रहे हैं, विष्णु श्री हरि विष्णु की कर रहे हैं, तो उनको तब जाके वरदान मिलता था, और बहुत समय, लंबे समय तक वो तपस्या करते थे तब जाके उनको वरदान मिलता था, और वो तब तक नहीं उठते थे वहाँ से जब तक प्रभु उनके सामने प्रकट ना हो जाए। हाँ, और हम ये सोच रहे हैं कि हम चार दिन एक महीना हमने पूजा करी, और जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर कर रही है उसके लिए हम एक डेढ़ महीना पूजा करने के बाद या दो महीना पूजा करने के बाद ये सोच रहे हैं कि हमें मिल जाए, और फिर शिकायत करने लगे। तो सबसे पहली बात ये कि आपको पात्रता सिद्ध करनी है। पात्रता एक दो तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं, या फिर जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपने जितना अपने आप को फिजिकली और मेंटली झोंक सकते थे आपने झोंक दिया, आपसे नहीं हो रहा। यहाँ पर आपने पात्रता सिद्ध करने की कोशिश करी और जितना आप कर सकते थे उतना आप करने लगे। अब दूसरी पात्रता आपको कहाँ पर सिद्ध करनी है, जिन भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, अगर मैं भैरवी देवी की अगर बात करूँ तो उनके सामने अगर आपको अपनी पात्रता सिद्ध करनी है तो सद्गुरु कहते हैं कि केवल एक ही तरीका है, वो देवी के सामने आपको डिवोशन दिखाना है। और या फिर मेरे जो हठ योग टीचर थे, एक बार हठ योग टीचर से मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा था कि देवी से कनेक्ट होने का तरीका क्या है। मैं भी स्ट्रगल कर रहा था, 2 साल मैंने स्ट्रगल किया है, एंड आई यूज टू सिट डेली इन फ्रंट ऑफ हर, डेली 1 घंटा 1.5 घंटा 2-2 घंटे बैठा हुआ हूँ मैं, और अभी भी जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा है। मैं अगर अपने YouTube चैनल की बात करूँ तो 300 से ऊपर वीडियोस हो चुके हैं मेरे YouTube चैनल में, और इस बात की भी मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि जितना कंटेंट, जिस लेवल का कंटेंट, जिस लेवल ऑफ क्लैरिटी के साथ कंटेंट मैं YouTube पे बना रहा हूँ, उतनी लेवल ऑफ क्लैरिटी के बहुत ही कम चैनल होंगे। और शांभवी महामुद्रा, योग आसनास या इंडियन कल्चर के ऊपर जिस लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर मैं क्लैरिटी के साथ मैं वीडियोस बनाता हूँ, वैसी वीडियो शायद ही मिलेंगे अगर मेरे शांभवी महामुद्रा की वीडियोस देखोगे आप। मेरे रिव्यूज़ का जो वीडियो है, मेरे एक्सपीरियंस का जो वीडियो है, मैक्सिमम एक वीडियो जिसमें 5,000 व्यूज़ आए हैं, और अभी हाल ही में मेरे यूट्यूब में एक चैनल है जिन्होंने अपना वीडियो बनाया था, किसी लड़की का वीडियो चैनल है वो, तो उसमें 2 या 3 महीने हुए हैं उस वीडियो को आए हुए, और 15,000 से 20,000 के बीच में उसके व्यूज़ हैं। और मेरे को पता है, वो वीडियो देखने के बाद मुझे पता है कि उनकी क्या स्थिति है, किस लेवल पर है, किस लेवल ऑफ क्लैरिटी से उन्होंने समझाया है। मेरे को नहीं पता किस लेवल पर है, बस किस लेवल ऑफ क्लैरिटी के साथ उन्होंने समझाया है। उस वीडियो को देखने के बाद और मेरी वीडियोज़ को देखने के बाद आप ये देख सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है।
दोनों में कितना डिफरेंस है, क्लैरिटी में कितना डिफरेंस है, पर मेरे वीडियोस को उतने व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, तो क्या मैं शिकायत करने चले जाऊँ कि मैं तो 2 साल से ऊपर हो चुका है, रात रात को मैंने वीडियोस बनाई है, 11 12 12 बजे मैंने बैठ के वीडियोस बनाई है, मैं जॉब भी करता हूँ उसके बाद, पूरे दिन भर आने के बाद अपनी साधना करने के बाद, रात को खाना खुद बनाने के बाद मैंने 11 11 12 बजे भी वीडियोस बनाई है, तो मैं तो शिकायत नहीं कर रहा हूँ कि तुम मुझे नहीं दे रहे हो, मुझे नहीं मिल रहा है। अल्टीमेटली मेरे को करना क्या है, मेरी माइंड में एक चीज़ है, मेरे को अपनी पात्रता सिद्ध करनी ही है। मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मेहनत तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मुझे मेहनत के साथ साथ अगर किसी से ग्रेस चाहिए, ग्रेस की प्राप्ति करें, तो ग्रेस पाने के लिए मुझे कुछ और भी चीज़ें चाहिए, जो किसी भी देवी देवता के साथ कनेक्ट होने के जो मेथड है उनको भी मुझे फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आप इस तरीके से ना जाएं, अगर आपको भैरवी देवी के साथ कनेक्ट हो रहा है तो आप इस तरीके से ना जाएं कि मैं तुमको मिठाई चढ़ाऊंगा तो मैं तुमसे कनेक्ट हो जाऊंगा। कुछ भी मत चढ़ाओ, कुछ भी मत चढ़ाओ, अपने आप को अर्पित कर दो, अपने आप को ही अर्पित करना है। अल्टीमेटली जब हम कोई मिठाई चढ़ा रहे हैं या कोई चीज़ चढ़ा रहे हैं तो उसमें हो क्या रहा है कि हम अपने आप को ही ख़त्म कर रहे हैं। जिस दिन आप ख़त्म हो गए, शी विल एंटर, एंड वेन शी एंटर्स एवरीथिंग विल शी विल डू शी विल टेक केयर। बट इस समय पर आप पूरी तरीके से स्टबन तरीके से अपने आप को लेकर बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि जैसा आप चाहेंगे कि वैसा ही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने आप को ख़त्म करना पड़ा। आपको क्या लगता है कि भैरवी देवी को आप कुछ दे सकते हो? आप कुछ दे सकते हो क्या? जो देवी सर्वशक्तिमान है उनको आप कुछ दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। जो भी चीज़ें आप उनके पास चढ़ा रहे हो ना, भले ही मुझे ऐसा लगता है कि भले ही सदगुरु कहते हैं या जब देवी की पूजा होती है तो ये कहा जाता था कि देवी को ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, भाई जो पूरी सृष्टि की सृष्टि जिसकी जिनकी वजह से चल रही है उनको आपकी देवी क्या किन्हीं चीज़ों की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपने आप को ख़त्म करना है। और दूसरी बात ये कि आप अपना प्रेम भाव उनके प्रति प्रकट कर रहे हैं। जब तक आपके अंदर प्रेम भाव नहीं जगेगा, आपके अंदर डिवोशन नहीं जगेगा, तब तक चीज़ें होने वाली नहीं है। और अगर आपको देवी से कनेक्ट होना है तो मन में जो है डिवोशन होना बहुत ज़रूरी है। आप उनके पास खाली होकर जाएं। सद्गुरु कहते हैं कि एक चीज़ बताओ, अगर आपके सामने आपसे बड़े स्तर की कोई एंटिटी है, कोई लिविंग एंटिटी है, तो और आपको उनके ऊपर भरोसा है, तो वहाँ जाकर कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप वहाँ पर चले जाओ, जो आपके लिए अच्छा होगा दे विल डू इट, दे विल डू इट। और देवी जब इसी इसी चीज़ के लिए देवी आई है दुनिया में, मतलब उनको स्थापित किया गया, वो उनको इनविटेशन दिया गया और तब वो एक लिंग भैरवी देवी के फॉर्म में स्थापित हुई है, तो वो इसी के लिए आई है कि वो हम लोगों को जो है मनोकामनाएं पूर्ण करे या हम लोगों को एक अच्छा लाइफ दे सके। तो अगर हम उनके पास जा रहे हैं तो उनको मालूम है कि हमें क्या चाहिए। अगर आप उनको सही में देवी मानते हो या सही में कुछ अपने से ऊपर मानते हो, दुनिया की माँ मानते हो, तो वो आपको देंगी। बट क्या आप वो चीज़ उनके सामने वो स्थापित कर पा रहे हो या अपनी पात्रता सिद्ध कर पा रहे हो या नहीं सिद्ध कर पा रहे हो? आपके अंदर क्या वो डिवोशन है? जब मैंने हठ योग टीचर से पूछा था तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि देवी से कनेक्ट होने के लिए कोई मेथड नहीं है, बस आपको अपने आप को ख़त्म करना है। सरेंडर, सरेंडर इज़ द ओनली मेथड। कुछ भी लेकर मत जाओ, कुछ भी मत चढ़ाओ, अपने आप को चढ़ा दो। ये बातें अभी आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा डिफ़िकल्ट है, बट डेली बेसिस पर अगर आप ये चीज़ें करने लगोगे, देवी के पास जाओगे, फूल चढ़ाओगे, जिन लोगों के पास देवी गुड़ी है भाई आपका तो सौभाग्य है कि आपके पास देवी गुड़ी आई है, देवी गुड़ी आपके पास आई है, आपका सौभाग्य है। अब उस देवी गुड़ी की आप टेक केयर करो, उसके पास रोज़ बैठो, देखना धीरे धीरे वो अपने आप एंटर करने लगेगी और अपने आप, आपको कुछ करना ही नहीं है। ये डिवोशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना कि अपने आप को चढ़ा दो, मेरे अंदर नहीं था ये 2023 से पहले, मेरे अंदर चाह कर भी ये चीज़ें नहीं आती। जब मैं देवी टेम्पल गया था, लिंग भैरवी देवी टेम्पल गया था ना, तभी भी मेरे अंदर 1% जो है डिवोशन आ ही नहीं रहा था। मेरा माइंड बहुत एक्टिव था और डिवोशन मैं चाहते हुए भी नहीं हुआ था। और आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊँ, 2023 में व्हेन शी एंडेड, आज की डेट में मैं 30-30 मिनट देवी दंडम में लेटा रहता हूँ 30-30 मिनट तक, और ऐसे करके मैं
मैक्सिमम 1 घंटे तक देवी के सामने बैठा रहता हूँ ऐसे करके, मैक्सिमम 1 घंटे तक मैं देवी के सामने बैठा रहता। कई बार तो लोग बोलते हैं कि इस तरीके से बैठो, लेकिन जब मैं उनके सामने जाता हूँ ना, ये हो जाता है बस, मैं नहीं कर रहा हूँ, शी इज़ डूइंग इट। वो इसीलिए है कि वो आपको ख़त्म करे। और अगर आपके पास भैरवी देवी गुड़ी है भाई, केवल वहाँ जाके बैठो, शी विल डू एवरीथिंग फॉर यू। और जो हम फूल चढ़ाते हैं, कुछ भी चीज़ चढ़ा रहे हैं, उस समय हम अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप अपने आप को ख़त्म करने में ख़त्म कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? जैसे ही आप अपने आप को ख़त्म करोगे, शी विल एंटर, एंड वेन शी एंटर्स, आपकी जो जो भी लिमिटेशन है टूटने लगेंगी। और अगर वो एंटर कर रही है तो ग्रेस आपके लिए काम करने लगेगा। जैसे शुभम भाई, जिनके साथ मेरा थोड़े समय पहले वीडियो आया था, उनके पास देवी यात्रा है, उन्होंने बस देवी वो उनके पास देवी यात्रा लाने के पैसे नहीं थे, उनके पास देवी यात्रा लाने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। तो उनके मन में बस, उन्होंने शायद वो कहते हैं कि मैंने सदगुरु सन्निधि ऑर्डर करी थी और मन में बस ये संकल्प किया था कि माँ तुझे लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, पर अगर तू आएगी तो मैं तुझे बड़े प्यार से रखूँगा। उन्होंने बस इतना ही बोला था और आज उनके घर में देवी यंत्र है। कितने ही पैसे वाले लोग होंगे, उनके पास देवी यंत्र नहीं जाता है, देवी नहीं जाती है, पर शुभम भाई के पास, शुभम भाई ने केवल अपने मन में एक संकल्प ये आया उनके कि अगर तू मेरे पास तेरे को लाने के पैसे नहीं है, तेरा यंत्र लाने के पैसे नहीं है, लेकिन अगर तू मेरे पास आएगी तो मैं तुझे बड़े प्यार से रखूँगा। और वो उनके घर आई, और जो वो कहते हैं कि जब से देवी आई है ना, तो चीज़ें मैजिकली हो रही है, मैजिकली हो रही है। वो कहते हैं ना कि मैंने अपने मकान के लिए लोन लेने के लिए अप्लाई किया था, लोन अप्लाई किया था, वो कैंसिल हो गया। अगले ही महीने मैंने, वो कहते हैं कि मैंने देवी यात्रा लाने के लिए अप्लाई करा, सेम बैंक में तुरंत लोन अप्रूव हो गया। तो आपके मन के अंदर कैसा भाव है? आप केवल इस तरीके से देवी को लाए हैं कि ये एक इंटरेक्शन, मतलब ये एक बिजनेस है, मैं तुमको फूल चढ़ाऊंगा या मैं तुमको तुम्हारी स्तुति करूंगा तो तुम मेरे लिए काम करोगे? भैया ये जो पूरा का पूरा जो मेथड दिया जा रहा है, ये पूरा जो सदगुरु ने ये जो टेक्निक डिज़ाइन करी है, जो भी चीज़ें साधना में दे रहे हैं, ये केवल और केवल हमें डिसॉल्व करने के लिए है। एंड व्हेन वी डिसॉल्व, द डिवाइन विल एंटर, एंड व्हेन डिवाइन एंटर्स, सब चीज़ें जो आपके लिए अच्छी है वो धीरे धीरे होने लगेंगी। सो इस तरीके से ना जाए, बिजनेस ना बनाए, बिजनेस बिल्कुल भी नहीं बनाए। एक ये मैं अपने लेवल पर बात कर रहा हूँ कि एक प्रोग्राम है जिसमें, जिसका नाम है 7% ईशांगा। उसमें ये कहा जाता है कि जो भी इनकम आपकी है उसका 7% आपने ईशा, मतलब वहाँ ईशा फाउंडेशन में देना है। और सदगुरु ऐसा बताते हैं कि तुम 7% दो, 93% मैं करूँगा, तुम्हारा केवल इन्वेस्टमेंट 7% का होना चाहिए, बाकी काम मैं करूँगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं। बट ये चीज़ मैं भी कर सकता था, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैं अपने गुरु के साथ बिजनेस नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें 7% दूँ और तुम मेरे लिए बाकी वो करो। मैं अपने लेवल पे जो डोनेशन हो सकता है मैं सब चीज़ करूँगा, बट मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है या सही है, बट ये मैं अपने पर्सनल लेवल पे फील करता हूँ कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता। अगर आप किसी को अपना गुरु मान रहे हो, देवी मान रहे हो, या माता पिता मान रहे हो, कुछ भी मान रहे हो, आप उनके साथ बिजनेस नहीं कर सकते हो। बिजनेस मत बनाइए इसको कि मैं देवी के पास जाऊंगा, देवी की पूजा करूंगा तो मुझको कुछ मिलेगा। अरे आप अपने आप को ख़त्म करने के लिए जाओ ना, क्योंकि देवी तो मुक्तिदायिनी है, सब कुछ है, वो गुरु भी है, मुक्तिदायिनी भी है, गर्भदायिनी भी है, अमृत वर्षिणी भी है, हर एक चीज़ है। पर क्या आपके डिवोशन में उतना पावर है? क्या आपके डिवोशन में उतना पावर है कि आप उनका साथ पा सको? अपने डिवोशन में इतना पावर लेकर आइए, सिद्ध करिए। चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिवोशन बिल्कुल मेरी तरह कर दो कि आधे आधे घंटे तक आप देवी दंडम में हो, मैं नहीं करता हूँ, वो हो जाता है, मैं नहीं करता हूँ, मैं स्टबनली नहीं करता हूँ। पहले बैठता था मैं, 2-2 घंटे तक बैठता था, बैठा स्टबनली बैठा हूँ, उठा के दिखा दो। ये मैंने सिद्ध करा है, मैं अपनी पात्रता सिद्ध कर रहा हूँ डेली बेसिस पर। क्या आप अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए रेडी है? आपको क्या लगता है कि मैं एक बहुत
जबरदस्त लाइफ जी रहा हूँ जो मुझे चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। 1% भी चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं हो रही जिस डायरेक्शन में मैं करना चाहता हूँ। बस मेरी साधना चल रही है, वो मेरे ऊपर कृपा है, बट और बहुत सारी चीज़ें हैं, 90% चीज़ें हैं जो नहीं चल रही, विपरीत चल रही है, ऐसा कह सकते हो। मैं भी परेशान हो सकता हूँ डेली बेसिस पर कि किसी ने कुछ बोल दिया, घर से कॉल आ गया, घर वालों ने ऐसा बोल दिया, ये नहीं है वो नहीं है, हमारे साथ भी हो सकता है, पर हम होता है। लेकिन हम तो कहीं पर किसी से शिकायत नहीं कर रहे, अपनी पात्रता सिद्ध करो। आपके पास अगर देवी गुड़ी है, देवी भी है, अगर आप देवी से जुड़ना भी चाहते हो तो उसके लिए भी मेथड्स हैं। आप दिन भर देवी स्तुति चला के रखो, ये इस समय पर आप पात्रता सिद्ध कर रहे हो, डिवोशन आपके अंदर अपने आप आ जाएगा, देवी अपने आप ले आएगी। पर क्या आप अपनी पात्रता सिद्ध कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्या स्टबननेस दिखा रहे हो कि चाहे तू मुझे कुछ दे या ना दे, मैं आऊँगा जरूर, बिल्कुल आऊँगा, यहीं बैठा रहूँगा, बैठा रहूँगा, बैठा रहूँगा, बैठा रहूँगा, चाहे कुछ भी हो, तू दे या ना दे, मैं यहीं बैठा रहूँगा। ये आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है? अगर आप ज़्यादा सोचने वाले हो, अगर आप अपने सामर्थ्य पे भरोसा रखते हो, आपके सामर्थ्य से कोई काम नहीं हो पर कर पा रहे हो, पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर लिया, नहीं मिल रहा कुछ, बाकी क्या बचा? मेहनत आप सब कर रहे हो, यहाँ पर भी सामर्थ्य दिखाना चाहते हो तो दिखाओ, सामर्थ्य दिखाओ, डिवोशन अपने आप आ जाएगा। लेकिन सामर्थ्य में ये दिखाना है कि मैं यहीं बैठा रहूँगा, कुछ भी कर लो, उठूँगा नहीं यहाँ से। लोग आधे घंटे बैठने, अगर मैं किसी को बोल दूँ कि आप आधे घंटे देवी गुड़ी के पास बैठ जाओ, तो कहीं अरे आधे घंटे कैसे बैठूंगा मैं, 1 घंटे कैसे बैठूंगा मैं, फिर कोई तुम्हें कोई चीज़ कैसे मिल जाएगी जब आप उनसे कनेक्शन बनाना ही नहीं चाह रहे हो? अगर आपका आपका जब किसी से कनेक्शन बनेगा तभी तो वहाँ से कुछ चीज़ मिलेगी। दोस्ती कैसे बनती है? दोस्ती भी तो ऐसी मेंटेन होती है कि आप दोस्तों के साथ मिलो, घोलो मिलो, बातें करो, हर एक चीज़ बातें करो, तब जाके मिलती है दोस्ती, तब जाके बनती है। और अगर आपको देवी से कुछ चाहिए, आप देवी के साथ टाइम स्पेंड करने को तैयार नहीं हो, तो कैसे कैसे देवी को सबसे नंबर वन पे रखो? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने करने के बाद आप ये सोच रहे हो कि मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब इन द सेंस हो, मैं ये कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो हर बार, ऐसा हो हर किसी के साथ ऐसा हो। आपका कार्मिक स्ट्रक्चर कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्या पता देवी वर्क कर रही हो आपके लिए, आपको दिख ना रहा हो इस समय पर, आपको दिख ना रहा हो, ठीक है? हो सकता है आपके लिए वर्क हो रहा हो, आपको दिख ना रहा हो, आने वाले कुछ समय में आपको पता चले अच्छा ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही थी कि मुझे ये फल मिले। जैसे शुभम भाई कहते हैं, शुभम भाई के पास देवी अंदर है, शुभम भाई कहते हैं कि देवी ना ऐसी कई सारे ऑब्स्टेकल आपकी ज़िंदगी से ख़त्म कर रही है जिनके जो आपको दिखते नहीं है। शुभम भाई का मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए वही, मतलब उनके पास देवी यंत्र है और उनके पास देवी कैसे आई है वो मुझको मालूम है, मैंने जैसे आप लोगों को बताया। और जब मैंने उनसे वीडियो कॉल में बात करी थी तो आई फेल्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। सो टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लग सकता है, किसी को कम लग सकता है, कि जो चीज़ें आप पाना चाहते हैं आपके लिए बहुत सारी रुकावटें हो सकती है, उन रुकावटों को भी तो पहले हटाना पड़ेगा। उन रुकावटों को जब हटाओगे तभी तो आपके लाइफ में एंटर कुछ चीज़ करेगी ग्रेस, तभी तो ग्रेस अभी उन चीज़ों को हटा रही है। पहले जो आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें आपके अपोजिट में काम कर रही है शायद वो हट रही हो, तब जाके आपको सफलता मिले। ओके, एंड मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। थोड़े समय पहले मैंने अपनी कोचिंग खोली थी, 1 साल मैंने वहाँ पूरा दिया है अपना। कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आने के बाद 4-5 बजे छुट्टी होने के बाद कोचिंग जाता था, वो भी 15 किलोमीटर दूर, और शाम को भी वहाँ से आना। सर्दियों में स्कूटी में ट्रैवल करता था, सर्दियों में कोहरा लगने के बाद सामने कोहरा लगता था तो सामने कुछ नहीं दिखता था, और किस लेवल। उसके बाद वहाँ से आने के बाद अपना हट योगा करना, खाना, कभी कभी तो ऐसी स्टेट आई कि खाना योगा करते, मतलब शवासन में लेटे हुए और सो गए, 1-2 बज गए, खाना कहाँ से खाना, फिर सो गए। ऐसे भी दिन देखे हैं और अभी तक कोई सक्सेस ऐसी खास मिली नहीं है। तो भैया थोड़ा सा सब्र भी करना होता है, श्रद्धा और सब्र। जैसे मैंने सुना है कि साईं बाबा ऐसा बोला करते थे, श्रद्धा और सब्री, ये दोनों चीज़ होनी चाहिए, थिंग्स विल हैपन। अगर वो थोड़ा टाइम ले रही है ना तो आपके लिए कुछ अच्छा ही वेट कर रहा होगा। सो इस वीडियो से पॉजिटिव लेकर जाएं, और ये ना सोचें कि अगर आपने 2 या 3 दिन या 10-15 दिन कुछ कर लिया तो उस प्रोसेस का फल इतनी जल्दी मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है। आपकी डिवोशन पे डिपेंड करता है, आपका डिवोशन कैसा है। आप अगर कुछ चीज़ चाहते भी हैं तो आप अपने माइंड के अंदर उसके अगेंस्ट केवल बस आप अपने मन के अंदर इच्छा रखें और पूरा भरोसा रखें कि
मैं कुछ नहीं कर सकता, आप केवल वही करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता केवल वही करेंगे। जैसे जैसे सदगुरु एक कहानी सुनाते हैं कि श्री कृष्ण एक बार अपने घर में बैठ के खाना खा रहे थे, तो अचानक से वो खाना खाते खाते उठ जाते हैं, दरवाजे की तरफ जाते हैं, तो शायद सत्य भामा बैठे होते हैं, तो सत्य भामा श्री कृष्ण से पूछते हैं, अरे श्री कृष्ण जाते जाते रुक के फिर लौट के वापस आ जाते हैं, तो सत्य भामा उनसे पूछते हैं कि तुम गए और फिर अचानक से वापस क्यों आ गए, मतलब या तो चले जाते हैं वापस क्यों आ गए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा एक भक्त जो है उसके वो उसके पास अगल बगल एक शेर था जो उस पर अटैक करने वाला था, तो उसने मुझे याद करा और जैसे ही मैं याद करके उसको बचाने के लिए जा रहा था, उसने पत्थर उठा लिया, उसने उठा लिया पत्थर। अब श्री कृष्ण वापस इसलिए आ गए क्योंकि वो आदमी खुद के लिए जो काम उसके बस की नहीं है वो करने के लिए चला गया, जिस चीज़ के लिए आपने उनको याद किया था, श्री कृष्ण को याद किया था, आपको पता था कि मेरे बस की नहीं है, लेकिन आपको उन पे पूरा भरोसा है ही नहीं, आपके मन में ये था कि वो नहीं आएंगे, आपके मन में ये था कि वो नहीं आएंगे, इसलिए आपने पत्थर उठा लिया। अब जैसे मैं द्रौपदी की बात करूँ, तो जिस समय उनको सभा में लेकर आया जाता और चीर हरण की स्थिति पैदा हो रही होती है, तो वो केवल आँख बंद करके कृष्ण को याद करती है, उनका जो उनकी जो भक्ति है, उनका जो भाव है, वो पूरी तरीके से उनको ये पता है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे और कृष्ण कम्स और उनकी रक्षा करती है। तो इस ये भाव होना चाहिए, अगर आपके साथ आज नहीं हो रहा है और आप सही में किसी को अपने देवी देवता या अपनी माँ या जो भी मानते हो, तो उन पर पूरा भरोसा रखो, होगा। और जब भैरवी देवी जैसी देवी है, होगा, बिल्कुल होगा। और जिन चीज़ों से मान लो कि अभी आपसे आप जो चीज़ें कर रहे हो उनसे फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो उनको थोड़ा और इंटेंसली करो, ये तो सामने उनको दिखाओ दो कि मैं ये चाहता हूँ, कितनी इंटेंसिटी है इसके अंदर। क्या पता आपकी इंटेंसिटी की वजह से ही आपको चीज़ें मिल जाए। एक लड़के का मैंने आपको आप लोगों को पहले बहुत पहले एग्जाम्पल दिया था, उसके पास देवी गुड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसके मन में इच्छा थी कि मैं देवी गुड़ी लाऊँ, तो उन्होंने ध्यान लिंगम यंत्र ऑर्डर किया था। और साधना बदा में उनकी एक कोई फ्रेंड थी जिन्होंने जिन्हें ये पता चला कि वो ध्यान लिंगम यंत्र ऑर्डर कर रही है केवल क्योंकि उनके पास देवी गुड़ी लाने के लिए पैसे नहीं है। वो उनकी दोस्त जो है उनके लिए ऑर्डर कर देती है, देवी गुड़ी गिफ्ट कर देती है। ये है, देवी ने उनकी फ्रेंड के थ्रू उनके लिए गुड़ी भिजवा दी। ये है आपके अंदर कितना भाव है, कितनी इंटेंसिटी है, कितनी लॉन्गिंग है, ये दिखाओ। ओके, सो आई होप कि यहाँ से आप पॉजिटिव लेके जाएंगे और जो भी चीज़ें मैंने भक्ति के बारे में बताई वो आप भी अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे होगा, भरोसा पूरा रखें, चीज़ें होती है। मिलते फिर अगली वीडियो में, और अगर अच्छा लगा तो जितने लोगों तक शेयर कर सकें शेयर करें, कमेंट करके कमेंट में बताएं कि किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और लाइक ज़रूर ज़रूर करें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।